हाय गाइस, वेलकम टू राधा मेंटर। फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 इंडिया इन 18th सेंचुरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो पार्ट 1 हमारी इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगा। चलिए बिना देरी की आज के वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछली बार हमने मुगल डायनेस्टी की जो वीकनेस थी उनके बारे में डिस्कस किया था, और उसके बाद जो इंडिपेंडेंस स्टेट जो बाहर बाद में उभर के आए थे, मैंने हैदराबाद के बारे में आपको बताया था, जिसमें मैंने चिंकलिज खान और जिन्हें खाने खाना भी कहा जाता था उनके बारे में बताया, साथ ही जो थर्ड मिसर वार के बारे में बताया। इस वीडियो में हमें बंगाल के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये कैसे अलग हुआ मुगल डायनेस्टी से। तो फ्रेंड्स, नंबर 2 पर आता है बंगाल। फ्रेंड, मुर्शिद कली खान वॉज अपॉइंटेड द सूबेदार ऑफ बंगाल इन 1717, वेयर ही रूल्ड एज एन इंडिपेंडेंट रूलर अंटिल हिज डेथ इन 1727। फ्रेंड, मुर्शिद कली खान को बंगाल के रीजन की सूबेदारी दी गई थी। फ्रेंड, जिसको पता नहीं है सूबेदारी किसे कहते हैं, फ्रेंड जो एक पर्टिकुलर एरिया से जो पोस्ट से आदमी टैक्स कलेक्ट करता था उस टाइम में, उन्हें सूबेदार कहा जाता था। तो इन्हें बंगाल से टैक्स कलेक्ट करने की ये पावर दी गई थी, लेकिन बाद में इन्होंने जब ये डायनेस्टी कमज़ोर होने लगी तो इसका फ़ायदा उठा के मुर्शिद कली खान ने इस पूरे एरिया को इंडिपेंडेंट करा लिया, और अपने डेट तक इन्होंने रूल किया है 1727 तक। इनके बाद शिजाउद्दौला और अलीवर्दी खान इसी बंगाल पावर को मुगल डायनेस्टी से प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट कराए और ज़्यादा इससे पावर दिए। साथ ही अलीवर्दी खान मेड फर्स्ट वॉज कंसिलिएटेड विद मराठा बाय पेइंग देम चौथ्स। फ्रेम अलीवर्दी खान मराठास को चौथ्स पे करते थे। चौथ्स बोले तो फ्रेंड, जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था बंगाल से उसका 1/4 पार्ट मराठास को देते थे, ताकि वो उन पर अटैक नहीं करे और एक कोलिजन बनी रहे। इन मिड जून दिस ट्रीटी इन 1957 एट द एज ऑफ 75 ही कंक्लूडेड अ ट्रीटी विद मराठास। फ्रेंड, जब वो 75 साल के थे तो उन्होंने मराठा के साथ यह ट्रीटी की थी। एज पर द ट्रीटी, ओडिशा वॉज सीडेस ऑफ मराठास एंड ट्रिब्यूट ऑफ 12 लाख रुपीज़ फ्रॉम बंगाल वॉज टू पे द चौथ। फ्रेंड्स, मराठा के साथ जो इन्होंने ये ट्रीटी बनाई थी, इसके हिसाब से ओडिशा वाले रीजन पे कोई किसी का हक नहीं जमाएगा, साथ ही बंगाल को 12 लाख रुपये सालाना इन्हें चौथ के हिसाब से देनी पड़ती थी। उधर अलीवर्दी खान बहुत ही एक एडमिनिस्ट्रेटर रूलर थे, लेकिन वो उन्हें इस बात की भनक नहीं थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरे छोर से सीक्रेटली अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रही थी। लेकिन अलीवर्दी खान के जो सक्सेसर थे सिराजुद्दौला, उन्हें बचपन ही से कुछ लगता था कि ब्रिटिश एम्बिशन उनके एरिया में कुछ अच्छा से काम नहीं कर रहे, इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश पर नज़र रखनी शुरू की। और फाइनली जाकर 1957 में उन्होंने ये पाया कि यहाँ पे कुछ तो मामला गड़बड़ है, जिसके कारण फ्रेंड्स वहाँ पे ट्रेड रूट बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा था। साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ उस तरफ का रेवेन्यू वो अच्छे से नहीं देते थे। उसके बाद जो मेन कारण था फ्रेंड, बैटल ऑफ प्लासी का, जो आपने किताब में पढ़ा होगा, बैटल ऑफ प्लासी का जो मेन रीज़न था वो ये था फ्रेंड्स कि बंगाल में जो राज कहते हैं उन्हें नवाब कहते हैं, नवाब के हुक्म के बिना वो बंगाल में एक ये फोर्ट बना रहे थे जिसका नाम था फोर्ट विलियम। जब सिराजुद्दौला के इस बारे में पता चले कि उनके हुक्म के बिना ये बनाया जा रहा है, तो उन्होंने तुरंत ही उसकी कंस्ट्रक्शन को रोक दिया। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे मना कर दिया तो उन्होंने अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुई, तो फ्रेंड्स उसके बाद एक बैटल लड़ी गई जिसका नाम था बैटल ऑफ प्लासी, जिसमें सिराजुद्दौला हार गए और उन्हें मार दिया गया। इसके बाद इनके मरने के बाद ब्रिटिश की जो मेन पावर थी वो बंगाल में बढ़ गई, और इसी के बाद उन्हें बैटल ऑफ बक्सर और को भी जीता था अपने अच्छे स्ट्रेटजी के साथ। फ्रेंड्स, इस बैटल में जो मेन कमांडेंट थे रॉबर्ट क्लाइव, इन्होंने 900 इंग्लिश मैन और 1300 इंडियन सोल्जर्स के साथ सिराजुद्दौला की आर्मी को हराया, जो 50,000 क्वान्टिटी में थी। फ्रेंड्स, इसके कुछ पॉलिटिकल कॉजेस थे, वो मैं आपको बाद में जाके वीडियो अगले चैप्टर में बताऊंगा, ये इस चैप्टर के लिए ज़रूरी नहीं है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अवध के बारे में। फ्रेंड्स, सद्दत खान बुरहानुल मलिक वॉज द फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ अवध।
फ्रेंड्स सदात खान जो थे वो इस ये जो एरिया है इसे इंडिपेंडेंट करार देने वाले शख्स थे। फ्रेंड्स इनके मरने के बाद सफ़त जंग जो इनके नेफ्यू थे वो गद्दी पे आए। बाद में इतने कैपेबल थे कि मुग़ल एम्पायर ने इन्हें अपना वज़ीर अपॉइंट कर लिया। फ्रेंड्स सफदर जंग को उनके बेटे सजाउद्दौला ने बाद में सक्सीड किया 1754 में। उसके साथ ही मीर कासिम जो उस टाइम में बंगाल के नवाब थे वो मुग़ल एम्पायर अहमद शाह मिलकर ब्रिटिश के सामने एक कोलिशन बनाई और बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में हुआ था उसमें उन्होंने लड़ा। लेकिन क्योंकि ब्रिटिश के पास बहुत ही एडवांस वेपन थे और अच्छी बैटल स्ट्रेटेजी थी जिसके कारण ये बैटल ऑफ बक्सर में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद फ्रेंड्स उसी टाइम में ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद साइन हुई थी जिसके हिसाब से उन्होंने अपनी प्रैक्टिकली अपनी जो इंडिपेंडेंस थी वो ब्रिटिश को बेच दी क्योंकि इतनी बड़ी वॉर के बाद उन्हें कुछ ना कुछ ब्रिटिश को भुगतान देना था ताकि ब्रिटिश उनके एरिया को छोड़ दें। इसके बाद में और भी कुछ ज़्यादा कॉसेस थे फ्रेंड्स तो वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। फ्रेंड्स अवध के बाद आता है पंजाब। फ्रेंड जब टेंथ सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह उनकी डेथ के बाद जो गुरुशिप थी वो लगभग एंड तक आ गई थी। उसके बाद फ्रेंड्स जो गुरु लीडरशिप जो थी सिख्स के वो बाद में उन्हीं गुरु के एक ट्रस्टेड डिसिप्लिन के पास आई जिनका नाम था बंदा बहादुर। ये इनके रीजन में से बहुत ही पावरफुल हुई थी और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करके मुग़ल के सामने स्ट्रगल किया था क्योंकि उस टाइम इन दो टेरिटरी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा संबंध नहीं था इसलिए अक्सर वॉर्स छोटी मोटी वॉर्स होती रहती थी। और फाइनली फ्रेंड्स 1715 में पंजाब इन्हें कैप्चर करके मार दिया गया। इसके बाद फ्रेंड नादिर शाह और अहमद शाह जो अफगान इन्वेडर थे जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में जिन्होंने जो मेन कारण थे मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन के लिए वो यहाँ पे सेवरल रेड्स किए इंडिया पर 1915 के बाद जो मुग़ल एम्पायर को और भी ज़्यादा दिक्कत किया रूल करने के लिए। साथ ही जब मुग़ल एम्पायर यहाँ पे वीकेंड हो रहा था तब सिख्स के पास एक और अपॉर्चुनिटी थी कि वो आप फिर से राइज करें। उन्होंने अपने आप को 12 मिसल्स में डिवाइड कर दिया। अब फ्रेंड्स अगर आपको पता नहीं कि मिसल क्या है तो फ्रेंड मिसल एक वो पॉलिटिकली यूनिट है जो जिसमें बहुत ही सीक्रेट और जैसे हम अभी CPI बोलते हैं वैसे उस टाइम में ये रहते करते थे जो एकदम सीक्रेट एजेंट रहते थे जो मेन जो गवर्नमेंट है उनके लिए बड़े रॉयल होते थे उनके लिए बहुत ही लॉयल होते थे जिसकी वजह से ये कभी उन्हें धोखा नहीं दे सकते थे क्योंकि ये बहुत ही मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स कि ये कितने वफादार थे। फ्रेंड्स उसके बाद पंजाब का जो ये मिसल था ये बाद में जम्मू कश्मीर बाद में उनके कंट्रोल में आया। फ्रेंड 18th century के ख़त्म जब हो रहा था तब रंजीत सिंह जिन्हें लाइन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है वो बहुत ही एबल और एडमिनिस्ट्रेटर बहुत ही एबल टाइप के मिसल अपने कंट्रोल में रखते थे। वो बाद में रिवर सतलुज को अपने किंगडम की तरफ और एक्सीड करें ताकि सिख किंगडम और अच्छा एस्टैब्लिश हो। ये बहुत ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर और कमांडर थे। इनकी स्टेबिलिटी बहुत ही एफिशिएंट थी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। साथ ही इनके रीजन में पंजाब का जो मेन एलिमेंट सेक्रेटेड था आर्मी के लिए वो अच्छे से डिवाइड हुआ ताकि वो किसी भी वॉर के टाइम में अच्छे से फंक्शन कर सके। फ्रेंड इनकी जो डेथ थी ये बहुत ही ज़्यादा एनेक्री और कन्फ्यूजन कर दी थी बाद में लोगों के लिए। फ्रेंड्स जब इनकी डेथ हुई उस टाइम में इंग्लिशेस जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी थी इसीलिए क्योंकि कोई सिख पावर में कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोई रूलर स्ट्रॉन्ग नहीं था तो ब्रिटिश बहुत ही इजीली पंजाब को एनेक्स कर लिया। उसके बाद फ्रेंड्स पंजाब की बात हो गई अब आते हैं मिसोर में। फ्रेंड मिसोर एक इंडिपेंडेंस पहले एक पावर हुआ करता था जो एक हिंदू किंग चलाते थे जो अपने सबसे ऊँचे लेवल पर तब गया जब उनके जब वो हैदर अली के अंडर में आया। फ्रेंड्स बता दूं कि पहले हिंदू किंग के यहाँ हैदर अली कमांडेंट की तरह काम करते थे लेकिन इनकी डेथ के बाद हैदर अली पावर में आए जो जिन्हें उस टाइम में फौजदारी दी गई थी लेकिन इनके मरने के बाद
1961 में वो खुद को एक पर्टिकुलर एम्परर उस एरिया का बता गए। फ्रेंड्स ये बहुत ही एफिशिएंट रूलर थे, साथ ही साथ क्योंकि फौजदार रह गए थे इन्हें जितने भी मिलिट्री टैक्टिक्स थी ये सब पता थी, इसकी वजह से इनके सामने लड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। फ्रेंड बहुत ही मेन जो यहाँ पे जो वॉर ऑफ सक्सेशन थी कर्नाटक और हैदराबाद में, और साथ ही साथ जो एंग्लो फ्रेंच वॉर थी उसमें इन्होंने भाग लिया था। साथ में पानीपत हैदर अली को और इनक्रेज किया ताकि वो उसे लड़ सके, और जब नंजाराई राज को जब उन्होंने ओवरथ्रो किया जो हीरो हिंदू रूलर जो यहाँ उस टाइम के हीरो हिंदू रूलर थे उनको अटैक के हैदर अली इस्टेब्लिश हुए, अपनी टेरिटरी को और आगे बढ़ाया। और फ्रेंड्स इनके इनके इनकी जब मौत हुई तो इनके बाद इनके बेटे टीपू सुल्तान ने बाद में इसे और एडवांस करा। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि टीपू सुल्तान ब्रिटिश के नज़रिए से आप देखें तो ब्रिटिश ने अपने एक किताब में नोटिस लिखा है कि टीपू सुल्तान उस टाइम के उनके सबसे बड़े दुश्मन थे। जो मेन जो दुश्मन थे उनमें सबसे पहले यही आते थे, क्योंकि टीपू सुल्तान के टाइम मिसर जो थी वो बहुत ही एडवांस नेवी के साथ और अपने आर्मी को बहुत ही एफिशिएंटली मॉडर्नाइज करती गई ताकि वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ सकें। अब फ्रेंड्स बात करते हैं नंबर 6 पर द जाट्स। तो फ्रेंड्स जाट्स जो थे वो मेनली एग्रीकल्चर थे जो दिल्ली आगरा और मथुरा के आसपास कल्टीवेशन करते थे। लेकिन फ्रेंड्स जो औरंगज़ेब की जो बहुत ही अजीब तरह की पॉलिसी जो नॉन मुस्लिम्स के तरफ के लिए थी और उनके जो ऑफिशियल उन्हें परेशान करते थे तो उसके वजह से बड़े बड़े डिस्टर्ब रहा करते थे। औरंगज़ेब के डेथ के बाद जाट क्रिएट डिस्टर्बेंस ऑल अराउंड दिल्ली, जो जाट ट्राइब के जो पीपल थे वो पूरे दिल्ली के ऑल अराउंड बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर रहे थे और अब एक अलग रिवॉल्यूशन ला रहे थे, जिसके बाद एक जाट के एक लीडर चूरनमल पावर में आए और उनकी वजह से वहाँ अपने पास में एक कैपिटल बनाया। फ्रेंड्स जाट जो स्टेट है वह चूरनमल के बाद उनके नेफ्यू मदन सिंह ने संभाला, जो जिसकी वजह से जाट किंगडम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद सूरतमल जो जाट पावर के बहुत ही जाट ट्राइब को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाए थे, उनके अंदर जाट पावर बहुत अपने सबसे ऊंची इमारत खड़ी कर रहा था जिसकी इसका कैपिटल भरतपुर में था। सूरतमल बहुत ही एक्सट्रीमेबल एडमिनिस्ट्रेटर सोल्जर और बहुत ही वाइज स्टेटमैन था। ये इतनी पावर रखता था कि बहुत ही बड़े एरिया में अपनी अथॉरिटी एक्सटेंड होने के बाद भी इसको अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट कर लेता था। इसे बहुत सारी किताबों में प्लेटू ऑफ जाट ट्राइब्स भी कहा जाता है हिस्टोरियंस के द्वारा। सूरतमल के डेथ के बाद जाट पावर धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। उसके बाद फ्रेंड्स अब 7वें नंबर पे जो आखिरी जो राइज हुआ था वो था नंबर 7 राजपूत। फ्रेंड्स आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको पता था कि दिल्ली सल्तनत जब मोहम्मद घोरी जब इंडिया इन्वेट किए थे तब उस टाइम राजपूत का वहाँ पे एरिया चलता था, जहाँ पे उस टाइम जब मोहम्मद घोरी ने यहाँ पे अटैक किया दूसरे बार तो ये काबू हो गए, फिर दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हुई, उसके बाद मुगल डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई। उसके बाद उतने टाइम बाद फ्रेंड्स अब बचाकर राजपूत वापस पावर में आई। उन्हें बस इसी मौके का इंतज़ार था। जब उन्होंने देखा कि अकबर के डेथ के बाद मराठा और सिख बहुत ही ज़्यादा अब राइज करने लगे, जिसकी वजह से राजपूत बहुत ही शांत रहते थे कुछ राजपूत। लेकिन जब औरंगज़ेब के डेथ के बाद बहुत सारे राजपूत स्टेट जो है वो बहुत ही ग्रो करने लगे और ख़ुद को इंकरेज करने लगे ताकि अपने आपको एक इंडिपेंडेंट स्टेट सेंट्रल अथॉरिटी से अलग कर सके। इसी में एक स्टेट था अंबर जो प्रोविंस था सवाई राजा जय सिंह के प्रोविंस के अंदर। वो बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड स्टेटमैन लॉ मेकर सोशल रिफॉर्मर और एक मैन ऑफ साइंस थे। मैन ऑफ साइंस माने जिनकी साइंस के बारे में अच्छी नॉलेज थी। और फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सवाई राजा जय सिंह जयपुर सिटी के फाउंडर थे। इनको क्योंकि साइंस में इंटरेस्ट था तो ये जो पूरे एरिया थे उनको साइंटिफिक प्रिंसिपल के हिसाब से वेल प्लान किए।
इसी इसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे ग्रेस्ट एस्ट्रोनॉमी भी एस्ट्रोनॉमिक ऑब्जर्वेशन दिल्ली में, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में की। ही गॉट ओरिजिनल वर्क ऑन ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ट्रांसलेटेड इनटू संस्कृत अंडर हिम। द स्टेट मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस। और फ्रेंड्स इन्हीं के अंडर जो मेन जो इनका जो स्टेट था वो बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस किया, साथ ही साथ इन्होंने ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री को संस्कृत में ट्रांसलेट करके अपने काम मिलाया। लेकिन फ्रेंड्स ये बहुत ही टेम्प्रोरी स्टेट थी, क्योंकि राजपुताना जो एरिया था वो बहुत ही ज़्यादा राजपुताना किंगडम अच्छे से नहीं चल पाया, क्योंकि बाद में ब्रिटिश आए और फिर ये भी किंगडम फॉल हो गया। और उसका फ्रेंड लास्ट जो सबसे मेन है मराठास, इनके बारे में बता दूँ फ्रेंड्स, मराठास और ये जो मेन जो मुगल डायनेस्टी है इनके बीच में हमेशा 36 का आंकड़ा रहता था। फ्रेंड्स मराठा पावर जो अपने सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट पावर में थी वो थी शिवाजी महाराज के टाइम में थी, जो 1680 में मर गए। उसके बाद उनके सन संभाजी को मुगल डायनेस्टी ने बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करके डेथ माने इतना टॉर्चर किया कि वो मर गए। उनके बाद संभाजी के माइनर सन शाहू को एक प्रिजनर बना के वो लोग रखते थे, लेकिन जब बहादुर शाह आए औरंगज़ेब के मरने के बाद तो शाहू को रिलीज़ कर दिया गया। और जब शाहू वापस जा रहे थे उस टाइम तक उन्हें पता चला कि उनके जो सौतेले भाई थे राजा राम, उन्होंने पूरे एरिया की पावर ले ली। और जो मेन उनकी डेथ के बाद उनके जो सन थे शिवाजी टू, वो उनके हाथ में सारी पावर आ गई। जो भी एक माइनर थे ताराबाई के, जो उनकी मदर थी जो बाद में उस एरिया को रूल करती थी। इसकी वजह से फ्रेंड जब साहू को ये बात पता चली तो जो मराठा किंगडम में एक सिविल ब्रोक हुई, जिसमें साहू और ताराबाई के बीच में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हो गई। और फ्रेंड साहू क्योंकि शिवाजी टू के पास ताराबाई का सपोर्ट था, साहू बालाजी विश्वनाथ एक ब्राह्मण मिनिस्टर थे, उनकी मदद के हिसाब से साहू बहुत ही सक्सेसफुली इमर्ज करे और सक्सेस कर लिए इस किंगडम को। उसके बाद फ्रेंड्स अब बात करते हैं पेशवा क्या होता है। फ्रेंड बालाजी विश्वनाथ जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया साहू को, बाद में साहू ने उनको पेशवा यानी कि उस एरिया का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। क्योंकि साहू बहुत ही कॉम्पिटेंट और लिबरल पर्सन थे, इसलिए वो अकेले को सारे पावर हैंडल नहीं कर सकते थे, और इसीलिए उन्हें एक ऐसा आदमी चाहिए था जो भरोसेमंद हो और अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल ना करे। तो बालाजी विश्वनाथ और उसके सन बाजीराव को, जिसे बाद में छत्रपति भी दिया जाता था, उन्हें पावर दी गई और इसी तरह पेशवास का रूल शुरू हुआ। फ्रेंड्स बाद में बता दूँ बालाजी विश्वनाथ मराठा किंगडम को एक अलग ही एडवांटेज मिला जो मुगल डायनेस्टी जिस टाइम डिके कर रही थी। फ्रेंड जब ट्रीटी ऑफ मुगल्स 1714 में आया साइन हुई, तब जितनी भी टेरिटरीज जब शिवाजी के पास रहती थी वो सब वापस मराठा किंगडम को वापस मिली। साथ ही फ्रेंड्स चौथ और सरदेशमुखी जो 6 मुगल सूबेदार थे डेक्कन के, वो भी इन्हें असाइंड हो गए। माने उस 6 सूबा से ये डेक्कन के, माने ये जो 6 सूबा थे वहाँ से ये लोग टैक्स सेलेक्ट कर सकते थे। फ्रेंड बालाजी विश्वनाथ 1720 में मर गए, जिनके बाद उनके बेटे बाजीराव वन आए पावर में, जो बाद में पेशवा बने और बिना कोई और अपनी फैमिली के साथ इधर रहने लगे। बाद में फ्रेंड बाजीराव वन मराठा पावर को और आगे बढ़ाए। इन्हीं के टाइम में था कि मराठा कॉन्फेडरेसी हुआ और ये बहुत ही पावरफुल मराठा चीफ थे। और फ्रेंड्स इनके पावर में, ये जब पावर में थे तब इन्होंने बहुत ही एकदम जो लास्ट पावर होती है वहाँ तक अपनी पहुँचाया। इसके बाद फ्रेंड्स इनके बेटे बालाजी बाजीराव, इन्होंने मराठा पावर को नॉर्थ और साउथ में भी एक्सटेंड किया। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि मराठा पावर डिक्लाइन कैसे हुआ। तो फ्रेंड्स हम सब जानते हैं कि पानीपत वन बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लगा। दूसरी पानीपत लड़ी गई थी अकबर और एक और आदमी के बीच में लड़ी गई थी, उसका नाम आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स इसी टाइम में तीसरी पानीपत लड़ी गई, जब फ्रेंड्स एक पंजाब के एक टाइम में जो फील्ड
पेशवा थे अहमद शाह अब्दाली के संत तीमूर शाह, और अहमद शाह अब्दाली एक रोहिलखंड के साथ एक अलायंस बनाए और मराठास के साथ एक और एक वॉर लड़ी, जिसमें मराठास को 14 जनवरी 1961 को थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हार का सामना पड़ा। इसके बाद पानीपत में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा डिजास्टर आया, जिसकी वजह से मराठा पावर बिल्कुल डिक्लाइन हो गई। लेकिन फिर भी फ्रेंड माधवराव वन बहुत ही मुश्किल से अपनी लॉस्ट फॉर्च्यून को कलेक्ट करे मराठास के लिए, जिसकी वजह से मराठा सुप्रीमेसी बहुत ही ज़्यादा गिर गई, सक्सेसर इनके वीक हो गए। और इसी टाइम में फ्रेंड्स थर्ड एंग्लो मराठा वॉर लड़ी गई, उसके बाद फ्रेंड पेशवाशिप अबॉलिश हो गई और इसी तरह हमारे मराठा पावर का भी एंड हो गया। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में मैं ब्रिटिश का इंडिया में रूल कैसे शुरू हुआ था इसके बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरों के साथ शेयर करें। उम्मीद है आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।